प्यारे दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर दिलीप नलगे कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऋतु के अनुसार हमारा आहार कैसा होना चाहिए अभी इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं कई बार लोग ये सोचते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा आप डाइट प्लान दे दीजिए कि वो हम साल भर फॉलो करते रहें लेकिन ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हरेक के लिए हरेक चीज सूट नहीं कर सकती है हरेक की अपनी अपनी प्रकृति होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो उस प्रकृति के अनुसार हमें अपना आहार डिसाइड करना होता है तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रकृति कौन सी है अब आप ये कहेंगे कि भाई प्रकृति ये क्या बात है तो इसको कैसे हम पहचान सकते हैं वो कैसे बनती है उसके कितने प्रकार होते हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रकृति का जो निर्माण होता है वो जन्म के समय ही होता है और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वैसे ही बनी रहती है और इसीलिए उसको अगर हम समझ लेते हैं और उस अनुसार अगर हम अपना आहार करना सीख जाते हैं तो हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिल सकती है प्यारे दोस्तों जैसे हमने अभी तक ये देखा कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से तीन दोष होते हैं वात पित्त और कफ और ये जो तीन दोष होते हैं इनका रोल इतना महत्वपूर्ण होता है जैसे ये जब बैलेंस में रहते हैं तो शरीर के सारे काम करते हैं बहुत सारे फंक्शंस जैसे शरीर में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है जो गति है शरीर में वो वात दोष की वजह से होती है शरीर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम है परिवर्तन रूपांतरण वो सारा पित्त की वजह से होता है और शरीर में जो भी संयोजन है जो भी यूनियन जिसको हम कह सकते हैं वो सारा कफ की वजह से होता है शरीर को जोड़कर रखने का जो काम है वो कफ करता है तो इस प्रकार से ये तीन मुख्य चीजें हैं जो जब बैलेंस में रहती हैं तो ये सारे काम भी करती है लेकिन जब किसी भी कारण से मुख्य रूप से हमारे गलत आहार विहार की वजह से जब इनमें तो इम्बैलेंस भी दो प्रकार का होता है या तो वो बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं तो जब भी ऐसा होता है तो उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए इनको सम अवस्था में बनाए रखना या बैलेंस में रखना यही इंपॉर्टेंट चीज हम अगर सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलती है अब यह मैं क्यों आपको बता रहा हूं क्योंकि यही तीनों दोषों का रोल होता है हमारे प्रकृति के निर्माण में प्रकृति का निर्माण कब होता है जब स्पर्म और ओवम दोनों यूनाइट होते हैं माना पुरुष का बीज और स्त्री का बीज जिसको शुक्राणु या अंडाणु भी, या बीजाणु भी कहते हैं वो दोनों जब संयोग होता है उसी समय में जो जिस दोष की प्रधानता होती है जो दोष ज्यादा डोमिनेट करते हैं उस अनुसार हमारे प्रकृति का निर्माण होता है इसके लिए बहुत सुंदर रीति से ये बात आचार्य वाघभभट जी ने कही है शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृति ही जायते तेन तो इसीलिए उस समय में प्रकृति का निर्माण होता है अब इसमें मुख्य रूप से सात प्रकार की प्रकृति बनती है एक तो वात का डोमिनेंस होने की वजह से वात प्रधान प्रकृति अगर पित्त का डोमिनेंस ज्यादा रहता है तो पित्त प्रधान प्रकृति और अगर कफ ज्यादा डोमिनेट करता है तो कफ प्रदान प्रकृति ये दोष के अनुसार तीन प्रकार की प्रकृति इसको एक दोषज प्रकृति भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही दोष का डोमिनेंस रहता है कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो दोषों का डोमिनेंस रहता है तो उसको द्विदोषज प्रकृति कहते हैं ये द्विदोषज प्रकृति भी तीन प्रकार से होती है मैंने पहले तो एक दोष के डोमिनेशन की वजह से होने वाली तीन प्रकार और फिर दो दो दोषों के डोमिनेशन से तीन प्रकार जैसे अगर वात और पित्त ये दोनों दोषों ने अगर डोमिनेट किया तो वात पित्त प्रधान प्रकृति अगर पित्त और कफ ये दोनों दोषों ने डोमिनेट किया तो पित्त कफ प्रधान प्रकृति और अगर वात और कफ इन दोश, दो दोषों ने डोमिनेट किया तो वात कफ प्रधान प्रकृति तो इस प्रकार से एक दोषज तीन प्रकार द्विदोषज तीन प्रकार और सातवां जो प्रकार होता है जब ये तीनों ही दोष सम स्थिति में रहकर प्रकृति का निर्माण करते हैं उसको सम प्रकृति कहा जाता है और इसको सबसे बेस्ट माना जाता है जब शरीर में हमारे प्रकृति में वात पित्त और कफ ये तीनों ही दोष समान रूप से रहते हैं तो वो सम प्रकृति कहलाती है और उसको सबसे उत्तम माना जाता है और सबसे हीन माना जाता है द्विदोषज प्रकृति को तो इसमें ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक दोषज प्रकृति है उसमें क्या क्या लक्षण माना हम कैसे समझेंगे कि हमारी वात प्रधान प्रकृति है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है या वात पित्त है कफ पित्त है वात कफ है या सम प्रकृति है कौन सी सात में से कौन सा टाइप है हमारा ये कैसे समझेंगे तो इसके काफी सारे लक्षण जो है वो आयुर्वेद में बताए हैं मैं कुछ ना कुछ उसमें से आपको सार में बताने की कोशिश करता हूँ देखिए जैसे वात प्रकृति वाले जो होते हैं उनके टिपिकल लक्षण क्या होते हैं एक तो वो ऐसे लीन एंड थीन होते हैं और हाइटेड होते हैं उनका वर्ण जो होता है ना वो थोड़ा सा श्याम वर्ण होता है माना जैसे ब्लैक या जिसको सांवले वर्ण के कह सकते हैं इस प्रकार के लीन एंड थीन हाइटेड और ये बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं माना वो शीघ्र गति जिसको कहा है आयुर्वेद में इनकी जो भूख होती है वो कैसी होती है कभी ये बहुत ज्यादा खाएंगे कभी कम खाएंगे कभी उनको बहुत ज्यादा भूख लगेगी कभी भूख लगेगी ही नहीं तो अनिश्चित प्रकार की इनकी जाठराग्नि होती है जिसको आयुर्वेद में विषमाग्नि कहा गया है इसी प्रकार से इनका जो कोष्ठ होता है जिसको कोठा कहते हैं हम सामान्य भाषा में तो जो कोष्ठ होता है माना जो बॉवेल हैबिट्स जो होती हैं वो भी कैसी होती है वात प्रकृति की उनका जो पेट है वो आसानी से साफ़ नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उनको रहती है और इनको मोशन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है औरों के कंपैरिजन में और हार्ड स्टूल्स होते हैं तो इस प्रकार से ये वात प्रकृति के लक्षण बताए हैं बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं एक जगह पे ज़्यादा स्थिर नहीं रह सकते हैं और इनको वात से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं तो इस प्रकार से ये वात प्रकृति के कुछ लक्षण बताए गए हैं इसी के अनुसार पित्त प्रकृति के लक्षण भी बताए हैं पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें पित्त का डोमिनेंस होने की वजह से वो मध्यम उनका शरीर होता है बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं और पतले भी दुबले भी नहीं लेना भी नहीं मीडियम होते हैं उनकी जो उनकी जो भूख होती है उनको भूख जो है वो बहुत जोरों से लगती है जिसको तीक्ष्ण अग्नि कहा है वो बहुत सारा खाना हजम कर सकते हैं माना ज्यादा खा भी सकते हैं और उसको हजम भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से उनकी जाठराग्नि बहुत ही तीव्र होती है तीक्ष्ण होती है इनका जो कोष्ठ होता है जिसको हम कोठा कहते हैं सामान्य भाषा में बॉवेल हैबिट्स कहते हैं इनको मोशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता ऐसा पता ही लगता कि कब आए और कब गए बहुत थोड़े समय में और इनके स्टूल्स जो होते हैं ये थोड़ा लूज या सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं इनको ज्यादा टाइम मोशन में नहीं लगता है कभी कभी दिन में दो बार भी इनको मोशन के लिए जाना पड़ सकता है तो इस प्रकार से पित्त प्रकृति का मध्यम वो होता है और जनरली इनका जो वर्ण होता है ये गौर वर्ण माना फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है इनका गोरे दिखते हैं ज्यादातर और इस प्रकार से पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं इनको लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको गर्मी सहन नहीं होती है है ना sheet接下來, इनको ठंड में बड़ा अच्छा लगता है पित्त का डोमिनेंस होने की वजह से जैसे वात प्रकृति वाले जो होते हैं उनको ठंड बिल्कुल सहन नहीं होती उनको गर्मी का सीजन अच्छा लगता है ऐसे पित्त प्रकृति वालों को ठंड बहुत अच्छी लगती है लेकिन गर्मी सहन नहीं होती है और पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं ना वो नींद उनकी कैसे रहती है थोड़ा ही समय सोएंगे लेकिन बहुत गहरी नींद होती है उनकी और वात प्रकृति वालों की नींद कैसे होती है थोड़ा भी कुछ आवाज होता है ना तुरंत नींद खुल जाती है जिसको अल्प खंडित निद्रा कहा है तो इस प्रकार से ये वात और पित्त प्रकृति के कुछ लक्षण हमने देखे इसी प्रकार से कफ प्रकृति वाले कैसे होते हैं लोग तो कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं ये बड़े दिखने में ऐसे धुष्ट पुष्ट और ऐसे बलवान दिखते हैं और इनको माना बहुत अच्छे इनका जो है वो डाइट जो है वो ज्यादा नहीं होता है डाइट तो जो है वो इनका कम होता है क्योंकि इनका अग्नि मंद होता है तो इसीलिए इनको ज्यादा भूख नहीं लगती ज्यादा डाइट भी नहीं होता है फिर भी ये दिखने में एकदम ऐसे अच्छे दिखते हैं तंदुरुस्त दिखते हैं और इनका जो स्वभाव होता है वो शांत धीर गंभीर इस प्रकार का स्वभाव होता है लेकिन ये थोड़े से स्लो भी होते हैं थोड़ा सा इनका रिएक्शन जो है वो स्लो होता है और इनकी जो नींद होती है ना इनको नींद बड़ी प्यारी होती है नींद इनको जितना ज्यादा आप करना चाहो उतना ज़्यादा समय तक ये नींद कर सकते हैं तो इसीलिए इस प्रकार से नींद होती है भूख इनको ज़्यादा नहीं लगती जैसे मैंने आपको बताया कम खाते हैं फिर भी दिखने में बड़े बलवान दिखते हैं और इनका जो कोष्ठ होता है कोठा जो होता है वो मध्यम होता है माना इनको टाइम जो लगता है मोशन में ये लगभग पंद्रह मिनट के आसपास वैसे ऐसा हसी में कहते हैं कि जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं ना वो जनरली जब मोशन के लिए जाते हैं ना तो न्यूज़पेपर लेके ही जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कम से कम मुझे 20-25 मिनट तो लगने हैं उतने समय में मैं सारा न्यूज़पेपर भी पढ़ लूंगा लेकिन पित्त प्रकृति वाले कब आए कब गए पता नहीं चलता और कफ प्रकृति वालों को लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है इसीलिए उनको मध्यम कोष्ठ कहा जाता है ऐसे कफ प्रकृति वालों को नींद जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है प्रिय लगती है कफ प्रकृति वालों की सहन शक्ति अच्छी होती है उनको गर्मी और ठंड दोनों ही सहन होते हैं उससे ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है तो इस प्रकार से जो वात प्रकृति वाले पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले इसके हमने शॉर्ट में कुछ आपको लक्षण बताए ताकि आप ये निर्धारित कर सके कि मेरे में कौन से दोष की प्रधानता है कौन सा दोष डोमिनेंट है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दोषों के मिले जुले लक्षण हमें मिल सकते हैं तो उसको हम द्वंद्वज प्रकृति कह सकते हैं कि वात के भी है पित्त के भी है तो वात पित्त प्रधान अगर पित्त और कफ के मिले जुले हैं तो पित्त कफ प्रधान अगर वात और कफ के मिले जुले लक्षण है तो वात कफ प्रधान और तीनों ही दोषों के अगर बैलेंस में है तो वो सम प्रकृति लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सम प्रकृति है बहुत रेयर होती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है तो ज़्यादातर ये एक दोषज या द्विदोषज प्रकृतियाँ देखने में आती है और इसीलिए ये कुछ ना कुछ उससे संबंधित बीमारियाँ होती रहती है तो अगर हम ये समझ लेंगे कि हमारी प्रकृति कौन सी है तो उस अनुसार हमें अपना आहार डिसाइड करने में मदद होगी क्योंकि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर वात ज्यादा है शरीर में तो वात को कम करने वाला आहार को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए तो वो कौन सा आहार होता है मीठा खट्टा नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें वो ज्यादा हमें लेनी चाहिए जो वात प्रकृति वाले जो है जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए तो मीठा कसैला और कड़वा और ठंडी तासीर वाला ये चीजें पित्त को कम करने वाली होती है और जो कफ प्रकृति वाले जो है उनको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए तो कड़वा तीखा और कशैला और गर्म तासीर वाली चीजें जो कफ को कम करती हैं इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी घरेलू चीजें भी आपको बताना चाहूंगा जो हमारे घर में पाई जाती है जो इन वात पित्त कफ को कम करने में हमें हेल्प कर सकती है तो आयुर्वेद में ये बताया है कि सबसे बेस्ट वात को कम करने में अगर कोई है तो वो है ऑयल तेल तो ऑयल माना ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ऑयल कंज्यूम करना है ऑयल का आप एप्लीकेशन अगर रेगुलरली करते रहते हैं तो वाद से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे अपने आप को बचा सकते हैं फिर पित्त को कम करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी चीज है तो वो है घी कई बार घी का नाम सुनते लोग डर जाते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देसी गाय का जो घी होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं और ही पित्त को कम करने में हमें हेल्पफुल होता है और दूध और घी का कॉम्बिनेशन अगर नियमित रूप से अगर हम सेवन करते हैं तो वो एक रसायन का भी काम करता है रसायना नाम श्रेष्ठा ऐसे महर्षि चरक ने कहा है और कफ को कम करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें उपयुक्त हो सकती है तो जो शहद होता है लेकिन वो नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है वो नेचुरल शहद जो मधुमक्खियां इकट्ठा करती है वो शहद जो है वो कफ को कम करने में हमें हेल्प करता है वैसे भी अदरक ये एक बहुत यूजफुल चीज है जो कफ और कफ से संबंधित बीमारियों को कम करने में हमें बहुत हेल्प कर सकती है तो प्यारे दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने ये देखा प्रकृति क्या होती है वो कैसे बनती है और उस अनुसार हमें अपना आहार कैसे रखना चाहिए तो इसी के साथ हम आपसे और भी आगे मिलते रहेंगे ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे बहुत बहुत आपका शुक्रिया ओम शांति